उत्तर प्रदेश के मेरठ में लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चुराने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इलाके के लोगों का कहना है कि सदर बाजार क्षेत्र में कुछ युवक लड़कियों के अंडरगारमेंट चुरा रहे हैं। इस बाबत रविवार को पुलिस थाने में इसकी शिकायत की गई। दरअसल मेरठ सदर बाजार के कुछ लोग रविवार को सदर बाजार थाने में अंडरगारमेंट्स चोरी होने की शिकायत लेकर पहुंचे तो पुलिस भी हैरान रह गई। लोगों का कहना है कि स्कूटी सवार दो युवक घर के बाहर सूख रहे कपड़ों में से युवती का अंडरगारमेंट चुरा ले गए। उनका कहना है कि ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। बच्ची हमारे बाजार की, हमारे भाई की बच्ची है दोस्त की, तो इस यहाँ पर एक मस्जिद की जगह जहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ना कोई गुनाह नहीं, नमाज पढ़ें बहुत अच्छी बात है, मंदिर गुरुद्वारों की तरह जैसे मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो बच्ची की कुछ ऐसी चीज़ें एक तार से उतारी, अंडरगारमेंट उतार के और अपनी डिक्की में रख के ले जा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में है। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे मुद्दे की तरह इशारा कर रहा है, तंत्र मंत्र की तरह। तो मेरी इधर मैंने इनको तहरीर और एप्लीकेशन दिया है, रिपोर्ट दी है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। चोरी की ये घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इलाके के लोगों ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया कराया, जिसमें अंडरगारमेंट चोरी करते युवक साफ देखे जा सकते हैं। इलाके के लोगों ने आशंका जताई है कि ये तंत्र मंत्र का हिस्सा हो सकता है। घटना के विरोध में दर्जनों लोग सदर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी देकर एक्शन लेने की मांग की। स्थानीय लोगों ने पुलिस को पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सौंपी। फुटेज के आधार पर पुलिस ने कॉम्बिंग शुरू की और एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर क्षेत्र में सूचना मिली कि एक घर में दो युवकों द्वारा घुस के वस्त्रों की चोरी कारित की गई है। इस संबंध में इनकी तहरीर लेकर इस पर FIR लिखी गई और इसमें से एक युवक की गिरफ्तारी भी हो गई है और उससे पूछताछ जारी है। सर, ये वस्त्र चोरी क्यों करता था, क्या कारण बताएं? इस संबंध में अभी इससे पूछताछ जारी है और जिस तरह के इसमें फैक्ट्स निकल के आएंगे वो आपसे हम सूचना शेयर करेंगे। अभी तक कोई इसमें खास इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुई है पूछताछ में। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।